हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गायत्री मेकओवर। आज की वीडियो में हम करेंगे O3+ का प्रोफेशनल जो फेशियल किट होती है वो वाला फेशियल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जो हमारे इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एक तो जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें वो होता है क्लिजनर, फिर होता है टोनर सेकेंड नंबर पर, और थ्री नंबर पर होती है मसाज, और फोर्थ नंबर पर है इसका मास्क, और लास्ट में बारी आती है सीरम की, जो कि हम फेशियल करने के बाद जो है पूरे फेस पर अप्लाई करते हैं। वैसे इस जो फेशियल किट पर जो है मेंशन भी होता है, अगर जो बिगनर्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है कि हम लोग इस फेशियल को किस तरीके से करें, पहले कौन से स्टेप्स फॉलो करें, तो सारा कुछ इस जो इसकी पैकेजिंग होती है इस पर मेंशन होता है। तो उस पर अच्छे से पढ़ लें और देख लें, तभी अच्छे से इसका जो है यूज़ करें। सभी जो फेशियल किट होते हैं, चाहे कोई सा भी फेशियल हो, सब पर अधिकतर जो मेंशन किया हुआ होता है कि जो फेशियल किट पर जितने भी सारे स्टेप्स होते हैं वो किस तरीके से फॉलो किए जाएंगे। तो वैसे मैं काफ़ी सारे मेरे चैनल पर फेशियल के ऑलरेडी मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, उसमें मैं पूरी डिटेल में बताती हूँ कि किस तरीके से हम लोग जब फेशियल करते हैं तो हमारे स्टेप्स किस तरीके से होने चाहिए और किस तरीके से हम लोग जो है मसाज करेंगे। तो सबसे पहले जब हम फेशियल करते हैं, सबसे पहले फेशियल करते वक्त जो हमारा फेस हमारा क्लीन होना चाहिए। अगर हम लोग ब्लीच कर लेते हैं तो कई बार होता है कि हम लोग क्लीजनर को स्किप भी कर सकते हैं, अगर ब्लीच नहीं किया हुआ है। हैंड टू हैंड जब हम ब्लीच करते हैं, अगर नहीं किया है तो क्लीजनर का ज़रूर यूज़ करें। फेस अच्छे से क्लीन होगा तभी हमारा जो क्रीम होती है, जो भी हमारा मास्क होता है, वो बहुत ही अच्छे से उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। तो फेस हमारा बिल्कुल क्लीन कर लेंगे, लगभग 2 मिनट मसाज करेंगे क्लीजनर की, और उसके बाद जो है क्लीजनर रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो है हमारा जो भी सेकेंड जो इसके अंदर O3+ के अंदर जो स्टेप है वो है हमारा टोनर। पूरे फेस पर टोनर अप्लाई करेंगे और उसे लगभग 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद जो है उसे उसी के ऊपर से जो हमारा थर्ड स्टेप होता है उसे रिमूव नहीं करेंगे टोनर को, और जो थर्ड स्टेप है हमारा मसाज का उसमें से क्रीम लेंगे और पूरे फेस पर अच्छे से मसाज करेंगे। स्टेप्स हमारे वही होंगे, हमारे जो फिंगर टिप्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी हल्की होनी चाहिए मसाज करते वक्त, और बहुत ही सॉफ्ट हाथों से जो है मसाज करें, और जो प्रेशर होता है हमारे फिंगर्स का वो हमेशा हम जो फेस का अपर की तरफ रखेंगे। जो प्रेशर होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन जब हम मसाज करते हैं, जो हमारे जो फेस का ब्लड सर्कुलेशन चलता है जिस तरीके से, वो हम लोग ऊपर की तरफ करेंगे। और उसके बाद जब मसाज हम लोग कर लेंगे तो ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करती हूँ मैं हमेशा रोज़ वाटर का यूज़ करती हूँ स्टेप्स करते वक्त। कोई भी फेशियल आप कर लो, जब भी आप लोग, या तो फिल्टर्ड हमारे पास पानी होना चाहिए, कोल्ड वाटर होना चाहिए, या फिर हम लोग रोज़ वाटर का यूज़ करेंगे। उससे हमारा जो फेशियल क्रीम्स है वो बहुत अच्छे से उसका ग्लो भी आएगा, बेनिफिट भी मिलेगा, और फिंगर टिप्स की हेल्प से सॉफ्टली हाथों से मसाज करें। कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है जो बिगनर्स होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, उन्हें सही से अभी तक गाइड नहीं किया होता, वो मसाज बहुत तेज़ हाथों से करते हैं, तो जो सेंसिटिव स्किन होती है बहुत रेड हो जाती है, और कई बार क्या होता है ग्लो आने के बजाय फेस पर प्रॉब्लम हो जाती है, पिंपल्स निकल जाते हैं, और बहुत तेज़ मसाज जो है नहीं करनी चाहिए। इतनी रखें कि जो है क्लाइंट हमारा रिलैक्स फील करे और उसे अच्छा फील हो फेशियल करवाते वक्त। ना ही बहुत तेज़ होनी चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल पता ही ना चले। तो इस तरीके से करने के बाद जो है मसाज करने के बाद जो है हम लोग एक बार अगर क्लाइंट के फेस पर ब्लैक हेड्स वगैरह हैं तो वो रिमूव कर लेंगे, और अगर ज़रूरत है, अगर विंटर है तो उसमें हम लोग स्टीम भी दे सकते हैं फेस को। गर्मियों में ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टीम वगैरह की, तो स्क्रब वगैरह जब हम करते हैं कुछ तो उसी से निकल जाते हैं। अगर स्क्रब वाला स्टेप नहीं है तो हम लोग बीच में जो है रिमूव कर लेंगे उसको, जो पुशर आता है एक ब्लैक हेड्स निकालने का, उसकी हेल्प से, और थोड़ा कॉटन हाथ में ले लेंगे, एस्ट्रीजेंट वगैरह लगा लेंगे, तो उससे अगर ब्लैक हेड्स हैं तो थोड़ा सा पुश करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ऊपर निकल जाते हैं पुशर से, और उसे रिमूव कर लेंगे। उसके बाद मसाज करेंगे। मसाज करने से पहले हमें ये स्टेप करना है, ब्लैक हेड्स अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो हमारे स्टेप्स होते हैं फेशियल के, हम लोग वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा लगभग 10 से 15 मिनट हम लोग इसकी मसाज करेंगे, और मसाज करने के बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है फेस मास्क का, तो फेस मास्क हम लोग लगभग 10 मिनट अप्लाई करेंगे। 10 मिनट अप्लाई करने के बाद हल्का सा जब वो गीला रह जाए तो उसे जो है
सिंपल वाटर से टैप 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 करके उसे थोड़ा सा गीला करके छोड़ देंगे, क्योंकि जब अगर हमारा फेस पैक जो है वो पूरा 100% सूख जाता है तो उसे रिमूव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हम तो या तो फिर उसे थोड़ा सा गीला करके छोड़ देंगे दो एक मिनट के लिए, तो बहुत ईजीली रिमूव हो जाता है। ऐसे नहीं कि फेस पैक सूख गया है और उसे ऐसे ही गीले स्पंज से जो है रगड़ना शुरू कर दे, उसे हल्का सा गीला करके छोड़ दे तो वो बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अभी फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर इसे 10 मिनट छोड़ा था, और छोड़ने के बाद जो है हल्का सा गीला करके इसे रिमूव कर देंगे। और लास्ट में जब हम रिमूव करने के बाद जो है हमारा फाइनल जो स्टेप है इस किट के अंदर, O3 प्लस जो मैं यूज कर रही हूँ, वाइटनिंग किट है ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें जो है लास्ट स्टेप जो है हमारा फेस सीरम का है। तो लास्ट में रिमूव करने के बाद जो है हम लोग फेस सीरम जो है अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद हम जो लोग इसे रिमूव नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही लगा रहने देंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमारा जो है इसका रिजल्ट हमें मिला, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका जो है लगा, बहुत सॉफ्ट इसका फील हुआ क्लाइंट को। तो अच्छा फेशियल है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है आपने। और आपको जो है मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो यहाँ पर जो क्लाइंट है ये अपना रिव्यू भी दे रही है, इन्हें कैसा लगा तो सुनिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा काम किया लड़की ने। वेरी नाइस।